Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ. काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि भाई मन नहीं कर रहा था. तो अभी आज मैं हूँ अभी जम्मू में. अभी हम जा रहे हैं भाई एक शूट है बहुत दूर, यहाँ से कम 15 से 16 किलोमीटर दूर. जम्मू सिटी से इतना दूर है कि भाई हमें 1 घंटा लग सकता है वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो इसलिए बहुत टाइम लगेगा. तो मैंने उससे व्लॉग कर लेता हूँ, ड्राइव भी कर रहा हूँ साथ साथ में, देख लूँ भाई. तो ड्राइव भी कर रहा हूँ, व्लॉग भी कर रहा हूँ. तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. और मेरे साथ है पूरी टीम, पूरी नहीं है, आधी है. आधी टीम के पूरे चौधरी कबीर कालस, जिनका नाम आप लोग तो जानते ही होंगे. बस मैं ना ज्यादा इंट्रोडक्शन आजकल बड़ा. तो एक भाई ये भी है, तो शिराज भाई आज आए नहीं है क्योंकि भाई आज सत्संग है, तो वो आते नहीं होते भाई. जितना मर्जी दूर हो वो नहीं आते होते सत्संग में. तो आज हम ही जा रहे हैं, देखते क्या कुछ सीन रहेगा. तो अभी हम भाई फ्लाईओवर पे हैं, सत्संग का हेड मैं होता हूं, सत्संग की सारी फ्लाईओवर के नीचे ही है भाई. यहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, देख लो भाई. लेकिन भाई क्या सुकून है ना आजकल जम्मू में. तो मैंने सुना पुंछ में बर्फ पड़ी है भाई, तो बर्फ के नज़ारे लेने थे तो किस्मत ही खराब है. तो अभी हम चलते हैं भाई सीधा लोकेशन पे, वहीं पे आपको जो कुछ देखना है वो आपको दिखाएंगे. तो मिलते हैं आगे. तो भाई लोग ये देखो भाई, रिक्शा, देसी रिक्शा. हाय गाइस, ये है इरफान साहब और अभी हम शादी में जा रहे हैं गाइस. थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं गाइस. गाइस आप देखिए बड़े गुमसुम होके सॉन्ग सुन रहे हैं गाइस. तो भाई लोग हम आए थे कुछ इस तरह की जगह पे भाई. यहाँ पे खेत देखो कितना है, खतरनाक है ना भाई. पंजाब वाला पूरा फील आ रहा है ये देखो. और आगे रोड देखो बिल्कुल सिंगल है, लेकिन फिर भी भाई रोड अच्छी है, हमारे पुंछ की तरह नहीं है. चेक मारो. तो आज का फंक्शन हमारा इधर है, उसके बाद 4 को है, 4 से स्टार्ट है अभी भाई. सच में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके ना. तो देखो भाई पूरा पंजाब लग रहा है, पंजाब. तो फाइनली भाई लोग पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, देखो भाई. अभी हम आपको अंदर से दिखाते हैं भाई, बहुत खतरनाक लग रहा है. ये रही हमारी टीम भाई लोग. हम आए थे यहाँ पे, आज तो सत्संग अभी आधा हुआ है. अब अभी लंच टाइम है या कॉफ़ी टाइम कुछ भी है, तो उसके बाद अभी फिर से स्टार्ट होने वाला है. तो टाइम हो चुके हैं 3:30. 1 घंटा लगा हमें जम्मू से यहाँ तक आने में, और वापस जाने में भी 1 ही घंटा लगेगा. तो देखते हैं क्या कुछ सीन रहेगा अभी. तो हमारे किंग साहब जो हैं वो बैठे हैं. देखो जी किंग वर्सेस किंग, पता नहीं भाई क्या कर रहा है. तो हमने भी अभी अभी चाय पी है, तो अभी बाकी का टाइम था चाय पीने का, तो वो अभी गए हैं. उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा. यार मुझे समझ नहीं आ रहा 1 घंटा या 2 घंटा अभी और लगने वाला है यहाँ पे. और यहाँ का लोकेशन ना बहुत ही ख़तरनाक वाला है भाई, आपको दिखाएंगे. बाहर जाएंगे हम थोड़ी देर में, तो आपको सब भी दिखाएंगे. तब तक बने रही. तो भाई लोग जहाँ पे शूट है हमारा, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा शूट. और बाहर से दिखाते हैं, पूरे घर का शॉट दिखाता हूँ आपको मैं. और ये देखो भाई ये रहा घर. गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की थी भाई, क्योंकि सामान वगैरह निकालना पड़ता है. क्या ढूंढ रहे. फाइनली भाई लोग शूट हो गया खत्म. तो अभी हम आ चुके हैं बाहर भाई. कबीर भाई फोटो ले रहे हैं अपने. और ये ना हाँ भाई हमारा लोकेशन. अभी हम 4 को फिर से आना है, और अभी हम जा रहे हैं वापस भाई, क्योंकि यहाँ पे आज होने वाली है बारिश बहुत ही खतरनाक वाली. देख सकते हो मौसम भाई कितना गंदा हो गया ना, एकदम से हवा चल रही है बहुत ज़्यादा. ये देखो भाई. तो भाई यहाँ का माहौल देखो भाई, पूरा गाँव है यहाँ पे. जम्मू से कम 16 किलोमीटर दूर हैं हम अभी. तो व्यू चेक करो यार, खतरनाक व्यू है. जैसे पंजाब वाला व्यू होता है ना, जैसे पंजाब में है ना भाई, सेम वैसा व्यू है. चेक मारो. तो ये बोल रहा मुझे भी ले व्लॉग में भाई, तो ये ले लिया मैंने. तो भाई ये देखो भाई व्यू. अभी टाइम क्या हुआ भाई, मुझे लगता है शायद 5 बज चुके हैं. अभी हम आए थे 2:30 बजे और 5 बजे वापस जा रहे हैं भाई. बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, लेकिन यहाँ पर रात को मुझे नहीं लगता यहाँ पर मन लगता होगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है जम्मू से, सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है. और चेक मारो भाई यहाँ पे ना गाड़ी चलाने का भी बहुत ज्यादा मजा आता है. ये देखो भाई चला
भैया आज तक वाओ 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 अरे भैया और भाई व्यू चेक करो भाई। ओ यार मैंने भी तो एक ब्लॉग लगता ही नहीं है कि जम्मू है हम, ऐसा लग रहा है पंजाब में है अभी। ये देखो भाई इतना खतरनाक व्यू भाई, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी हम इस साइड आएंगे, और लेकिन आज देखो आना पड़ा। हो सकता है मेरा यहाँ का लास्ट चक्कर हो ये गांव में। भाई ड्रोन शॉट आपको सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ का भाई। आज हमने ड्रोन लाया नहीं था, हमें पता नहीं था कि कुछ ऐसी। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा एरियल व्यू मिलेगा यहाँ का, पूरा ड्रोन से शूट होगा वो मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए। हम जा रहे हैं हम वापस, ये रहे हमारे कबीर भाई और ये रहे हमारे मैनेजर साहब इरफान भाई। मैनेजर साहब तो गाइस मैनेजर ने कुछ शूट से हम आ चुके हैं वापस, सत्संग हो गया खत्म। अब हमने आना है, कल आना है शायद या दो दिन बाद आना है यहाँ पे शूट पे वापस, चार को आना है। शूट में मजा आया, अच्छी लोकेशन थी भाई। लोग अभी हम आ चुके हैं भाई रिंग रोड पे, ये देखो भाई रिंग रोड पे। हमें पहले पता नहीं था कि यहाँ से आना है, तो जब हम आए थे यहाँ से गए थे आगे, तो हमें पता चला भाई यहाँ से ये रिंग रोड भी है यहाँ पे, तो हम यहाँ से चलते हैं भाई सीधा मेन रोड पे। बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे आज। मौसम देखो भाई, व्यू चेक करो, जैसे लेह लद्दाख का है ना सेम वैसे लग रहे है देखो गाइस, चेक करो। और गाड़ी चलाने में जो मजा है ना वाओ, देखो भाई खतरनाक व्यू है भाई ये देखो। सच में ऐसा व्यू मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं लद्दाख गया नहीं हूँ, तो मुझे वैसा ही फील आ रहा है क्योंकि मैं देखता रहता हूँ वीडियोस वगैरह में। वाओ 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 वाओ। तो भाई साहब ये वाला व्यू चेक करो यार, क्या खतरनाक व्यू है भाई। और गाड़ी चलाने में सबसे ज्यादा मजा यहीं पे आ रहा है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल साइड है ना, ट्रैफिक है ना कुछ, तो जम्मू में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता भाई, इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो गई आजकल तो बिल्कुल भी मन नहीं करता ड्राइव करने का। तो जम्मू में मैं बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करता, ये भाई करता है तौहीद भाई। तो यहाँ पे मैंने सोचा भाई यहाँ से चलते हैं आज, ड्राइव करते हैं कोई अच्छे से, और साथ में बिठाया कबीर भाई को, तो ये भी आज बहुत खुश हैं क्योंकि हम रिंग रोड से आए हैं, वो भी फर्स्ट टाइम, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं क्या कुछ सीन रहेगा क्या नहीं अभी।